फास्पर में लेफ्ट लाने के निर्गमन पर रोक की मांग, मिनरल उद्योग के समर्थन में ब्यावर बंद रहा सफल, मिनरल व्यापारियों की क्रमिक अनशन पांचवे दिन भी जारी। ब्यावर लघु उद्योग संघ की ओर से राजस्थान से बाहर फास्पर में लेफ्ट लाने के निर्गमन पर रोक की मांग को लेकर शुक्रवार को ब्यावर बंद शांतिपूर्ण पूर्णतः सफल रहा। लघु उद्योग संघ की ओर से प्रस्तावित ब्यावर बंद को कई व्यापारिक संगठनों और अन्य संस्थाओं ने अपना पूर्ण समर्थन देकर ब्यावर शहर के पाली बाजार, महावीर बाजार, अग्रसेन बाजार, हलवाई गली सहित शहर के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में मिनरल उद्योग पूरी तरह बंद रहे। इस दौरान लोडिंग अनलोडिंग सहित संबंधित समस्त कार्य पूरी तरह बंद रहे। संघ के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने ब्यावर बंद को सफल बनाने के लिए वाहन रैली निकाली, जो पूरे बाजार से चाक गेट, मेवाड़ी गेट, संघ सूरजपुर गेट व अजमेरी गेट से होती हुई धरना स्थल पर समाप्त हुई। उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर किए जा रहे क्रमिक अनशन के पांचवें दिन भी जारी रहा। इस दौरान 12 उद्योगी धरने पर बैठे। मिनरल उद्योग संघ के सचिव संजय लड्डू, ब्यावर लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष आशीष पदावत ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान से बाहर फास्पर लैब्स दाने को मात्र 2 रुपए टन के भाव से निर्गमन कर रही है। यदि सरकार इस निर्गमन पर रोक लगाए तो हम 2000 रुपए टन में कच्चा माल बेचकर सरकार को प्रति टन 1800 रुपए का राजस्व लाभ देंगे। चालू रहे, बाकी सभी ने हमको सहयोग किया, आवश्यक आवश्यक सेवा अस्पताल है उसको हमने छूट दिए, बाकी सभी संगठन हमारे साथ हैं। घटक दल ब्यावर लघु उद्योग संघ द्वारा आज ब्यावर बंद का आह्वान किया गया है, वो सिर्फ इसीलिए हम बंद कर रहे हैं कि हमारा कमित जो कच्चा माल है वो राजस्थान से बाहर जो जा रहा है उसे रोका जाए और उससे राजस्थान सरकार को जो राजस्व की हानि हो रही है वो भी कम होगी। कच्चा माल 200 रुपये प्रति टन में बाहर जाता है और वही माल अगर फिनिश गुड के रूप में पाउडर बन के अगर बाहर जाएगा राजस्थान से वो 2000 रुपये टन में जाएगा। राजस्थान सरकार को सीधी सीधी 1800 रुपये टन के हिसाब से रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है और बहुत बड़ा नुकसान है। राजस्थान सरकार को हम सब व्यापारियों की मांगों को ध्यान रखते हुए हमारी मांग को पूर्णतः जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए है, इस कच्चे माल को राजस्थान से बाहर न जाने दिया जाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय लड्डा।